ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে, আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। দিল্লি হিংসা নিয়ে আজ উত্তাল সংসদ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ কংগ্রেস সাংসদদের। বিক্ষোভের জেরে আগামী 11 মার্চ পর্যন্ত মুলতবি রাজ্যসভার অধিবেশন। অধিবেশনের আগেই সংসদ ভবনে গান্ধী মূর্তির সামনে দিল্লি হিংসার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস সাংসদরা। রাহুল গান্ধী ছাড়াও বিক্ষোভে যোগদান কংগ্রেস নেতারাও। सर, सदन में हम लोग बारीकी से ये मांग करते आए हैं कि दिल्ली राइट पे चर्चा हो, बस और कुछ नहीं। अगर चर्चा आप नहीं चाहते तो अलग बात है, हम चाहते अलग बात है। लेकिन निलंबित की जब सवाल आए उसमें से दो चार बात मैं जरूर कहूंगा। सर, एक साथ 7 MPs को निलंबित किया गया, लेकिन किस आधार पर ये मुझे जानकारी नहीं है। क्योंकि सर अगर रुकिए ना, अगर स्पीकर से कोई पेपर भी अगर छीने। अधीर रंजन जी, अपनी बात संक्षिप्त में आ रखी है। सर, मैंने परमिशन लेके बोल रहा है सर। सर, ये मुझे बोलने दीजिए सर, प्लीज। 7 MPs की सवाल है सर, वो भी हमारे सदन की सबसे अहम सत्ता होते हैं बजट सेशन सर। उसमें 7 MPs को नदारद रहना और वो भी सस्पेंशन सारे सत्र के लिए, ये मुझे बड़ा पेनफुल होता है सर। नहीं, आप बोलिए, मगर आप बोलिए, बात रखिए सर। मेरा कहने का मतलब यह है किस आधार पर 7 MPs को एक साथ निलंबित किया गया, क्योंकि यहाँ बहुत सारे MPs थे, सारे ऑपोजिशन पार्टियां मौजूद थे, लेकिन सिर्फ 7 MPs को किस विचार से, किस आधार से निलंबित किया गया, यह कोई जानकारी मुझे नहीं है। वो भी सारे सत्र के लिए। सर, जेब कटुआ को फांसी के तख्त पे नहीं चढ़ाया जा सकता। बात की जानी जाने प्रसंगे संसद विषयक मंत्री प्रहलाद जोशी सुनबो। सरकार कोई अपोजिशन मेंबर को बाहर रख के कोई कार्रवाई चलाने का कोई हमको इच्छा नहीं है। जो स्पीकर का अधिकार है, स्पीकर का प्रॉपर्टी है, वो पेपर छीन के, वो फाड़ के फेंकना, और स्वयं जब स्पीकर थे तब भी आप वीडियो क्लिपिंग देख लीजिए, स्पीकर के ऊपर फेंक रहे हैं, ये सब मीडिया में आ रहे हैं। और मुझे ये भी दुख हुआ, वो तो अपोजिशन मेंबर है, गौरव गोगोई और 6 साथिया हमारे अपोजिशन मेंबर है, हमारा पूरा सम्मान है। उसके जेब काटने से कंपेयर करना भी एक अजीब बात है जी, मोस्ट अनफॉर्चुनेट है। स्वयं स्पीकर ने उस दिन ऑल पार्टी मीटिंग करके ये कहा कि इस तरफ जो क्रॉस करके आते हैं, मैं उसको सस्पेंड, उन मेंबर को सस्पेंड करता हूं। फिर भी इधर आके, इधर तक जब जायसवाल पे भाषण करते थे इधर तक आ गए, स्पीकर के ऊपर पेपर फेंका गया। और इसके जब आप बैठे थे आपके ऊपर पेपर फेंका गया। कल रमा देवी का जब वो बैठी थी पूरा पेपर छीन के लेके, ये तरीका है क्या सदन चलाने का, ये मैं पूछना चाहता हूं।